क्या है और क्यों एप्लीकेबल है टाटा या किसी भी इंडस्ट्री में, इलेक्शन इज ट्रेड जो क्राइटेरिया है दैट इज कॉमन टू ऑल इंडस्ट्री अक्रॉस द इंडस्ट्री, तो ये क्यों करते हैं हम लोग रिजेक्शन? इसलिए कि हम लोग सेफ्टी के साथ में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है वायर रोप में तो उसको रिजेक्ट अगर करना तो हटा देना चाहिए, नहीं तो दैट कैन लीड टू अ फेटल एक्सीडेंट ऑन द शॉप फ्लोर, दैट कैन लीड टू अ फेटल एक्सीडेंट ऑन द शॉप फ्लोर। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें बड़ा ही सजग रहना है। जो भी रिजेक्शन क्राइटेरिया है जिसके तहत हम कहते हैं कि इस वायर रोप को हटा देना है यूज से, उसको हटा देना, समझ गए? तो मैक्सिमम परमिसिबल रिडक्शन इन द रोप डायमीटर इज 7%, उसका डायमीटर अगर 7% से ज्यादा कम हो गया तो उसको हटा दें। 7% तक टॉलरेबल, 7% तक टॉलरेबल, 3% हुआ तो, बट क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए 3% है। जैसे हॉट मेटल हैंडलिंग जहां करते हैं दैट इज अ वेरी क्रिटिकल ऑपरेशन, जहां पे क्वाइल उठाते हैं बहुत भारी क्वाइल, क्रिटिकल ऑपरेशन, अगर क्वाइल छूट गया तो किसी का डेथ हो सकता है, मर सकता है कोई गलत करके। सो ऐसे जितने भी क्रिटिकल ऑपरेशन है वहां पे 3% 7% नहीं है, और भी कम है। समझ रहे हैं ना इसका जरूरत क्या है, 3% क्यों रखा गया है, समझ पा रहे हैं? वहां पे स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं इसलिए आपको ये बात समझ में आती होगी। कम रखने के पीछे है कि एकदम सुरक्षित रखना है, नो कॉम्प्रोमाइज ओवर द सेफ्टी। इन द मैटर्स ऑफ सेफ्टी वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइज, नो लेनियंसी। डायमीटर नापने के लिए स्लाइड कैलिपर्स आता है ना, उससे नापता है जो भी उसका जो इंस्पेक्टर होता है ना, एक इंस्पेक्टर रिगिंग इंस्पेक्टर बोलते हैं, एक पोजीशन है, तो रिगिंग इंस्पेक्टर विल डिसाइड इफ सर्टेन थिंग कैन बी यूज्ड और नॉट, सो ही इज द सुटेबल पर्सन, ही इज द एलिजिबल पर्सन, ही इज द ऑथराइज पर्सन हु विल टेल अस ये यूजेबल है या नहीं यूजेबल, ठीक है? सो देयर इज ए पोजिशन और उस पोजीशन पे आदमी जो रहेगा वो बोलेगा, वो करेगा, ठीक है? आपको हमको लग रहा है कि हो जाना चाहिए रिजेक्ट तो हम उसको बोल सकते हैं, जैसा हमको लग रहा है तो नापेगा, बताएगा कि हो सकता है कि नहीं या अभी चलेगा, ही इज द एक्सपर्ट पर्सन इन टाटा स्टील और इंडस्ट्री, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिबल ब्रोकन वायर नियर द रोप और द टर्मिनेशन इज थ्री। टर्मिनेशन का मतलब है, थोड़ा सा दिखाते हैं, ये एंड टर्मिनेशन बोला जाता है, जहां पे हम लोग इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। ये रस्सी जो है ना, यहां पे सॉकेट भी लगा हो सकता है, तो सॉकेट के पास में रस्सी अगर वायर जो है तीन वायर टूट गया है तो इसको रिजेक्ट कर हटा दें, तीन वायर, और इस पेरिफेरी का ऊपर में इसका रस्सी का बीच में कहीं पर सात वायर टूट गया इस डायमीटर पे रैंडमली देख रहे हैं हम, ये सात वायर टूटा हुआ है तो उसको हटा दें, ठीक है? इसका और भी डायमीटर के अनुसार यह क्राइटेरिया है जो कि यहां पर लिखा हुआ है ना। अभी आप देखिए ये वाला थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैक्सिमम परमिसिबल रिडक्शन इन द डायमीटर वायर ऑफ द रोप इज 40%, इट इज नॉट 40% है ना, 10%, ये 10% होना चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम परमिसिबल वायर ऑफ द ब्रोकन वायर ओवर द लेंथ ऑफ द रोप, ये एक टेबल दिया गया है ऑर्डिनरी लेग के लिए 6 डायमीटर लेंथ में, उसका डायमीटर जितना है उसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? जैसे 1 mm डायमीटर है या 1 inch डायमीटर है अगर, ठीक है, या 1 centimeter, तो 6 centimeter का लेंथ में जितना आ रहा है नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स उसके अनुसार उसको रिजेक्ट करते हैं। तो बोलता है 6D में 619 का जो ये है वायर रोप है उसमें 10 तार टूट गया तो हटा देंगे, है ना? 30D में अगर सोचेंगे तो ये 19 तार अगर टूटा हुआ है तब हटा देंगे। 30D का लेइंग कम ही होता है, 60 वाला ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना? 60 वाला ज्यादा पॉपुलर है। उसी तरह से लैंग ले के लिए अलग क्राइटेरिया है, लैंग ले में और भी कम दिया है,
सिक्स डी में 5 वायर और 30D में 10, और यहां पे 6x36 के लिए 7 वायर और ये 24 वायर, यहां पे 14 और 29, ठीक है। 60 का मतलब एक रस्सी है ना, ये रस्सी का ये डायमीटर कुछ है ना, इसका डायमीटर का 6 गुना लंबाई जो है, तो मान लीजिए यहां पर से शुरू किए तो 6 गुना यहां तक आ रहा है। इस लेंथ में अगर नंबर ऑफ वायर जो टूटा हुआ है उसका काउंट उतना है या उससे कम है तो ठीक है, उससे एक्सीड कर गया तो फटा, ठीक है। तो 60 और 30D दो तरह का लेइंग होता है, तो हम लोग 60 ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, 30D वाला तार हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं या वायर लोग कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देयर ऑल क्राइटेरिया फॉर द रिजेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल इनवेलप डायमीटर ऑफ द मेनी रोप 4:3 मल्टीप्लाइड बाय रोप डायमीटर, ठीक है। इनवेलप डायमीटर का मतलब है ये पूरा गोलाई वाला है ना, देयर शुड बी नो बर्ड केज, उसमें बर्ड केज एक डिफेक्ट है जो कि आपको दिखाएंगे आप कैसा दिखता है। ये रस्सी ऐसा करके खुल जाता है कभी कभी, देखें, और उसका तार सब ऊपर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं बर्ड केज, पिंजरा जैसा बन जाता है जिसमें चिड़िया जो है ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर खुल गया तो उसको हटा दें, बर्ड केज इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द वायर रॉप, वैसा अगर फॉर्मेशन हुआ तो और भी कई तरह के डिफेक्ट जो हम लोग देते हैं, जैसे कोरोजन भी एक डिफेक्ट है वायर रॉप, अगर कोरोडेड वायर है तो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट लोकल इंक्रीज और डिक्रीज इन द रोप डायमीटर, इंक्रीज मतलब खुल गया हो उससे डायमीटर अगर बढ़ गया मतलब ढीला हो गया, या रिडक्शन इन द डायमीटर, दोनों जो है रिस्की है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया तो उसको हटा देना इस्तेमाल। देयर शुड बी नो किंक, किंक का मतलब है मुड़ जाना या दब जाना, वायर रोप कभी कभी उस पर लोड इंडस्ट्री है इस्तेमाल हो रहा है तो लोड उस पर कभी कभी रखा जाता है चपटा होकर दब मुड़ जाता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ किंक इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट, तो अगर किंक है किसी वायर रोप में तो उसको हटा देना, किंक है तो हटा देना, ठीक है। देयर शुड बी नो एविडेंस ऑफ प्लास्टिक वायर कोरोजन और कोर प्रोट्रूजन, कोर प्रोट्रूजन एक डिफेक्ट है वायर रोप में जिसमें कोर निकल करके बाहर आ, अंदर का कोर जो है बीच वाला जिसपे लेइंग किया हुआ है इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स को, वो कोर ही निकल करके बाहर आ जाता है, तो बाकी का स्ट्रैंड का सोचिए क्या होता हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस वायर रोप को हटा देना, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टील वायर रोप शुड नॉट बी मोर देन 2.5%, ठीक है। ले लेंथ का मतलब है एक वायर स्ट्रैंड जो है ऐसा घूम करके ऐसा आया, ठीक है। तो वो जो 6D जो बोल रहे थे, 6D से ज्यादा मान लीजिए बढ़ गया 2.5% ज्यादा हो गया, तो जितना होना चाहिए उससे 2.5% ज्यादा हो गया तो उसको हटा होगा, क्यों मतलब खींच गया ना वो, इट इज ए साइन ऑफ ये रस्सी जो है जरूरत से ज्यादा खींच गया तो डायमीटर में पतला हो जाओ, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, जितना क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना उस क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं अगर रिजेक्ट होने लायक है तो रिजेक्ट होने वाला क्राइटेरिया में फंस जाएगा, ठीक है ना। इसको